बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टी कीमा करेले आपको बनाना सिखा रहे हैं, बहुत ही झटपट और इतने आसान। और आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। ये मेरे पास 1 किलो करेले हैं जिनको मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया है। और अब इसको खुले पानी में हमने सिरका डाला है 1/2 कप जितना, और साथ इसमें 4 से 6 चम्मच नमक डाले हैं। और अच्छी तरह से इसको 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। कवर कर दिया था मैंने इसको तकरीबन 2-3 उबाले आने पर, और 10 मिनट इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। अब इसको ठंडे पानी से धो लेंगे, अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, निचोड़ लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। चलिए, अब उसी पतीली में तकरीबन 1 कप हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और अब इसमें करेले जो हैं वो फ्राई करना शुरू करते हैं। अभी ये बिल्कुल नीम गर्म से ही हैं क्योंकि अभी हमने इनको निकाल के और पानी के साथ खंगाल लिया अच्छी तरह से, ताकि एक्स्ट्रा नमक जो है इसमें से निकल जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान और झटपट आपके फटाफट से ये करेले इस तरह से तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। वरना अमूमन जो है करेलों को कितनी देर, 2-2, 3-3 घंटे के लिए रखना पड़ता है ताकि इनका पानी निकले और कड़वाहट निकल जाए। इस तरह से सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपके करेले जो हैं उनमें से कड़वाहट निकल जाती है। तो अब इनको हाई फ्लेम पर इतना कुक करेंगे कि ये हल्के से गोल्डन हो जाएं। ये माशाल्लाह से हल्का हल्का सुनहरी होना शुरू हो गए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना इनको आपने, वरना इनका जो ओरिजिनल कलर और ख़ूबसूरती होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं, हमारे क्रिस्पी करेले हो गए हैं। सिर्फ़ 1 कप ऑयल में ये देखें कितने बेहतरीन हमारे करेले बन गए हैं। तो इनको सबको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी पतीली में मैंने ये कीमा लिया है 1/2 किलो, मटन का कीमा है 1/2 किलो, और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला था हमने और थोड़ा सा नमक, मिर्च और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसको गला लिया है। अब इसके अंदर दोबारा से हम डाल रहे हैं टमाटो प्यूरी 1/2 कप जितनी और लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून। बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। आप चाहें तो भुना हुआ अगर आपके पास कीमा पड़ा है तो आप डाल लीजिए। मैंने ये फ्रेश अभी कीमा जो है इसको पकाया है। अब ये देखें इसका ग्रेवी की तरह ये होना शुरू हो गया है। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है सिर्फ, क्योंकि बाकी जो है वो ऑलरेडी करेलों के अंदर भी मौजूद है। अब ये मेरे पास तकरीबन 2 कप जितने प्याज हैं और इसके अंदर शिमला मिर्च और टमाटर और हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने लंबी लंबी काटी हुई थी, और साथ ही मैं इसमें करेले भी डाल रही हूँ। तो देखिए कितने झटपट फटाफट से आपके ये कीमा करेले तैयार हो रहे हैं। सिर्फ हार्डली आपके 15 से 20 मिनट लगते हैं और इतने बेहतरीन आपके ये करेले तैयार हो जाते हैं। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है, नमक थोड़ा सा मैंने इसमें अब चख के इसमें ऐड करूंगी, अभी 1 चम्मच डाला है। इसके साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर और हल्दी, हल्दी जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच डाला है, और लाल मिर्च जो है वो भी तकरीबन आप टेस्ट के हिसाब से ये तमाम चीज़ें अपने डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1-1 चम्मच जितना इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कीमे में भी हमने थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च डाला था, तो इसलिए मसाले जो हैं वो एहतियात से आप शामिल करेंगे। और अगर आपने कीमे के अंदर नमक मिर्च वगैरह नहीं डाला तो आप टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। करेलों को हमने क्योंकि नमक के साथ बॉयल किया था नमक लगा के, तो इसलिए नमक जो है वो आपने चख के फिर डालना है। अब मसाला इसका जो है वो हम टेस्ट कर लेते हैं, कोई इसकी अगर कमी बेशी है तो नमक वगैरह की, तो वो मैं इसके अंदर से दोबारा डालूंगी। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, कीमा, प्याज, करेले, तमाम चीज़ें। हरी मिर्चें टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो नमक मैं इसमें 1/2 चम्मच जितना मज़ीद शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक मज़ीद शामिल कर दिया है और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर कवर कर देना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, साइडों से ऑयल छोड़ दे और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। 5 से 7 मिनट में ये देखें बेहतरीन, आपको साइडों पे ऑयल नज़र आ रहा होगा, ये देखें बेहतरीन हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्टी और खुशबूदार मज़ेदार हमारा कीमा करेले तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मूनसून में, स्पेशली बारिशों में, सुबह नाश्ते में पराठों के साथ कीमा करेले बड़े अच्छे लगते हैं, और इसके साथ साथ रात को आप खाने में डिनर में भी इनको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी आज के कीमा करेले की रेसिपी कैसी लगी। आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं, और चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने चिकन का कीमा तैयार कर लेना है, या मटन या बीफ का। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।